हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिविटी लवर्स में। आज ना मैं आपके साथ इस ब्यूटीफुल देखिए बॉर्डर डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। देखिए, हम इसे बॉर्डर में भी डाल सकते हैं और बटन पट्टी में भी डाल सकते हैं। मैंने अपने बहुत सारे डिजाइन में इस बॉर्डर को डाला है और हर कोई किसी ने डिमांड की है कि मैम इस बॉर्डर को भी बताएं, बॉर्डर को भी बताएं। तो आज मैंने स्पेशल इस बॉर्डर के लिए ही वीडियो बना रही हूँ ताकि देखिए ये सब बना सके। वैसे एक बार मैं पहले भी इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन उसे मैंने पैटर्न में ही बताया था। देखिए, पहले बॉर्डर बताया था, फिर डिज़ाइन बताया था, तो मैं आज इसकी वीडियो अलग से बना रही हूँ। देखिए, इसे मैं बॉर्डर डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इसे फुल कार्डिगन में भी डाल सकते हैं। बच्चों की फ्रॉक वगैरह में तो ये बहुत प्यारा लगता है। देखिए, बच्चों के कार्डिगन में तो ये बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप लेडीज़ कार्डिगन जैकेट वगैरह में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा बॉर्डर डिज़ाइन है। अगर नहीं तो मेरी तरह आप देखिए ऐसे इसका थोड़ा सा छोटा छोटा बॉर्डर बना लें और बटन पट्टी में देखिए तीन, मैंने एक दो तीन तीन पार्ट में देखिए बटन पट्टी के लिए यूज़ करती हूँ, तो बहुत सुंदर लगता है ये बना हुआ, बहुत प्यारा लगता है। तो इसे बनाने के लिए हमने क्या करना है, चार चार के मल्टीपल से फंदे लेने हैं, दो फंदे हमने एक्स्ट्रा ले लेने हैं स्टिच के लिए। तो फर्स्ट फंदे को उतारने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। देखिए, आपने फंदे डालने हैं, फंदे डालने के बाद एक रो सीधी तरफ से, एक रो उल्टी तरफ से, दोनों तरफ से उल्टी उल्टी बना लेनी है, जैसे ये मैंने बनाई है। एक रो उल्टी उल्टी बना लें, उसके बाद इस पैटर्न को स्टार्ट कर लें। देखिए, एक फंदा उतारा, उसके बाद ये वाला फंदा हमारा उल्टा, ये वाला फंदा हमारा उल्टा। उल्टा फंदा बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक दो तीन, ये तीसरे फंदे को उठाएंगे, इन दोनों के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब ये वाला फंदा हमारा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए इस फंदे को भी सीधा ही बना देंगे ऐसे। अब धागा फिर से अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए एक दो तीन फंदे, इसको उठाएंगे ऊपर से ऐसे गिरा देंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ये वाला फंदा भी सीधा, और यहाँ पर देखिए बीच में हमारी जाली बन गई। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, धागा दूसरी तरफ, इसे उठाएंगे ऊपर से गिरा देंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए हम इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे, और यहाँ पर हमारी जाली डल गई। ये तीन के तीन फंदे हमारे पूरे हो गए। अब फिर से यहाँ पर इस फंदे को उठाएंगे, ऊपर से गिरा देंगे सीधा, और ये लास्ट का फंदा आप चाहे सीधा बना लो चाहे उल्टा बना लो, ये आपकी मर्जी। उल्टी तरफ से देखिए, जो फंदे हमने उधर से उल्टे बनाए हैं इधर से सीधे बनेंगे। तो इस फंदे को सीधा बनाने के बाद एक दो तीन फंदे ये उल्टे, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, देखिए ये फंदा इधर से उल्टा है, इधर से हम सीधा बना लेंगे। अब धागा फिर से अपनी तरफ, फिर से एक दो तीन फंदे हमारे उल्टे, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर से एक दो तीन फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये फंदा हमारा सीधा। ये पूरी उल्टी रो हमने ऐसे ही बनानी है, तीन फंदे देखिए उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये फंदा सीधा, और ये लास्ट का स्टिच का फंदा जिसे मैं उल्टा बना दूंगी। अब फिर से हम सीधी तरफ आ गए, फर्स्ट फंदे को उतारते हुए धागा अपनी तरफ कर लेंगे, एक फंदा उल्टा, अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, तीन फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ, तीन फंदे सीधे, और ये लास्ट का फंदा जिसे मैं उल्टा ही बना लूंगी। और उल्टी तरफ से देखिए हर बार हमारी यही रो आएगी। देखिए ये तीन फंदे, देखिए ये सीधा तीन फंदे उल्टे, फिर सीधा तीन फंदे उल्टे, सीधा, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें वैसा ही हमने बनाते जाना है।
देखिए 4 रो का हमारा पैटर्न है ये। फोर रो में ये कंप्लीट होता है। 4 रो के बाद हमने इसे फर्स्ट रो से दोबारा से देखिए रिपीट करना होता है। ये हमारी 4 रो है। इसके बाद धागा दूसरी तरफ सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ ये उल्टा, धागा दूसरी तरफ सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ उल्टा ऐसे। अब सीधी तरफ से देखिए, सीधी तरफ से हमने इस फर्स्ट फंदे को उतारा, धागा अपनी तरफ किया, ये फंदा उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ किया। फर्स्ट रो से इसे दोबारा से देखिए रिपीट करना है। इसे उठाएंगे, ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। अब ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे। अब फिर से धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस तीसरे फंदे को उठाएंगे, दो के ऊपर से ऐसे गिरा देंगे। उसके बाद ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदे को भी सीधा ही बना लेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा उल्टा बनाएंगे। अब फिर से तीसरे फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, एक, धागा अपनी तरफ, दो, धागा अपनी तरफ करते हुए ये फंदा उल्टा, धागा दूसरी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऊपर से गिरा देंगे, सीधा धागा अपनी तरफ, ये लास्ट का फंदा। देखिए ये पैटर्न हमारा ऐसे बन गया है। तो इसे आप देखिए ऐसे ही आगे बनाते जाएंगे, तो ये आगे आगे बनता जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए यहाँ पर इसे मैंने 1, 2, 3 बार रिपीट किया हुआ है। चौथी बार देखिए मैंने जाली डालने के बाद इस पर सिंपल देखिए ये डिज़ाइन बनाए हैं, क्योंकि मैंने बॉर्डर की वीडियो डालनी थी। अगर आपको ये मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस मेरा ना एक ब्लॉग चैनल मैंने नया बनाया है मिसिज दुग्गल के नाम से, मिसिज दुग्गल ब्लॉग चैनल, प्लीज़ उसे भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसकी भी वीडियो देखा कीजिए, उसे आपको कुछ नया ही देखने को सीखने को मिलेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।